सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। झारखंड में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 1000 से ज्यादा पदों पर होमगार्ड की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस आज आई हुई नई भर्ती के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इन सभी सवालों के जवाब आज किस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर भी आप भी आवेदन करना चाहते हैं और 10वीं पास हैं, होम गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं, तो आवेदन जरूर से जरूर करें और इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखते रहें। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लें। तो देखिए, झारखंड होम डिफेंस क्रॉप्स के द्वारा यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन होम गार्ड के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी 2020 से आप कर सकते हैं और 31 जनवरी 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 31 जनवरी 2020 तक आप इसकी फीस भी जमा कर पाएंगे। अगर फीस की यहां पर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 200 रुपए की फीस देंगे, एससी एसटी पीएच को 200 रुपए की फीस देनी होगी। फीस आप ऑनलाइन करेंगे जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब माध्यम है फीस जमा करने के। सभी अभ्यर्थी होशियार हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, जमा कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1021 पद यहाँ पर निकाले गए हैं होम गार्ड की के लिए है। रूरल में यहाँ पर 24 पद हैं और अर्बन में यहाँ पर 316 पद निकाले गए हैं। ठीक, यहीं पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें, तो इसमें बाकी की जो अभी वैकेंसी है वो अलग तरीके से ऐड है, उसको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो बाकी की पोस्ट है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आप 10वीं पास हैं तब भी यहाँ पर आवेदन करेंगे और 8वीं पास हैं तब भी आप आवेदन करेंगे। केवल एरिया का यहाँ पर अंतर है, यानी कि क्षेत्र का अंतर रहेगा, बाकी पोस्ट सेम है, आवेदन क्वालिफिकेशन में अंतर रहेगा। ठीक है, आयु 19 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 के आधार पर यहाँ पर की जाएगी आयु की गणना। ठीक है, और जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिजिकल डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेल कैंडिडेट की क्या फिजिकल डिटेल्स है और यहाँ पर फीमेल की क्या फिजिकल डिटेल्स मांगी गई है। ठीक है, गृह जनपद का और तकनीकी दक्षता अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो आवेदन करना चाहेंगे वो इस वेबसाइट से आवेदन करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहले आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप लॉगिन बटन पर क्लिक करिएगा और लॉगिन करके पूरा फॉर्म यहाँ पर भर लीजिएगा। अब आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये उपायुक्त का कार्यालय यानी कि हजारीबाग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। ठीक है, ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा और अधिक जानकारी मिलेगी, जैसे कि जो झारखंड की है वैकेंसी है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो यहाँ पर मिलेगा, और किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी पुरुष के लिए है, कितनी महिला के लिए है, ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये आप यहाँ से डिटेल से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि महिला की कितनी वैकेंसी है और पुरुष की कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो देख रहे हैं 804 और 207 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये ऐड किए गए महिला पुरुष के अनुसार। तो इस प्रकार से और अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए आपका जो शारीरिक मापदंड है वो यहाँ पर बताया गया है, तो इसके अनुसार आपका ये शारीरिक मापदंड होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो इसमें डिटेल्स बताई गई हैं वो अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और इसी तरह का लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।